हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू समा क्लासेस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ए सी एस जीरो वन के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या टाइम लिमिट दी जाती है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए और कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपका आता है और किस टाइप के इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है तो फ्रेंड्स ये है आपका डिसम्बर टू के टर्म एंड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थ्री आवर्स की टाइमिंग दी जाती है थ्री आवर्स दिए जाते हैं आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका हंड्रेड मार्क्स का आता है ठीक है फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका थ्री सेक्शंस में डिवाइड होता है और सेक्शन वन में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको टू क्वेश्चंस का आंसर देना होगा और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका ट्वेंटी मार्क्स का होगा ठीक है तो यहां से आप लोग फोर्टी मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो एंड सेकंड नंबर पे है आपका सेक्शन सेकंड और सेक्शन सेकंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको फोर क्वेश्चन अटैम्प करने हैं और वो हर एक क्वेश्चन होगा आपका टेन मार्क्स का ठीक है और अगला है आपका सेक्शन थर्ड और सेक्शन थर्ड में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो फाइव मार्क्स के होंगे और इनमें भी आपको फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे ठीक है तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हर एक सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं तो हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन ठीक है क्वेश्चन नंबर वन पे यहाँ पे दे रखा है डिस्कस इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन द मॉडर्न पीरियड सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर डायनेमिक्स डिस्कस द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एटीट्यूडनल चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री पे यहाँ पे दे रखा है डिस्कस द डिफरेंट लेजीलेसन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया ठीक है एंड फोर्थ नंबर पर है आपका क्रिटिकली एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया तो यहाँ पे फोर क्वेश्चन गिवन है जिसमें से आपको टू क्वेश्चन को अटैम्प करना है और सिक्स हंड्रेड वर्ड्स में इनका आंसर लिखना है ठीक है अब है आपका यहाँ पे सेक्शन सेकंड और सेक्शन सेकंड में जो आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वो थ्री हंड्रेड वर्ड्स में देने हैं ठीक है थीके? तो क्वेश्चन नंबर फाइव पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द थ्री टायर ग्रेवेंस रेड्रेसल मशीनरी

फेयर बिजनेस प्रैक्टिसज क्वेश्चन नंबर एट है डिस्कस द रो ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन द ग्रोथ ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन नंबर नाइन पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन हंड्रेड थर्टी ठीक है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टेन और क्वेश्चन नंबर टेन पर यहाँ पर पूछा गया है वट इज मेड बाई मिस ब्रांडेड अंडर द फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी फोर डिस्कस क्वेश्चन नंबर इलेवन है आपका डिफाइन लेबल वट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड लेबल अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक्सप्लेन द फ्यूचर चैलेंजेस विच कंज्यूमर्स इन इंडिया मे फेस तो फ्रेंड्स ये है आपका फाइव से लेकर टू ट्वेल्थ तक के क्वेश्चन और इनमें से आपको फोर क्वेश्चन अटैम्प करने हैं और हर एक आंसर को आपको थ्री हंड्रेड वर्ड्स में लिखना है अब आपका सेक्शन थर्ड और सेक्शन थर्ड में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने हैं वन फिफ्टी वर्ड्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टीन और थर्टीन पे यहाँ पे पूछा गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 एंड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे पूछा गया है यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है आपका नेचर ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्सटीन नंबर पर है आपका फंक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरनेशनल एंड सेवन तीन नंबर पे है आपका कैविट एम्प्टर कंज्यूमर बी अवेयर एंड क्वेश्चन नंबर एटीन और लास्ट क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन पेपर का डिफरेंट राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर अंडर सी पी ए नाइनटीन हंड्रेड एटी सिक्स तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन वाले क्वेश्चन में से थर्टीन से लेकर फो एटीन तक के जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है इनमें से भी आपको फोर क्वेश्चन को अटैम करना है तो फ्रेंड्स ये था आपका ए सी एस जीरो वन का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम का और अब हम देखेंगे अपना हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर तो फ्रेंड्स ये है आपका हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर और हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा जैसे इंग्लिश मीडियम का है उसी तरीके से आपका हिंदी मीडियम का भी होगा तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है फ्रेंड्स अगर आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी और जो उसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है ठीक है तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं फोर ईयर बैक के उसके जो पी है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है तो आप लोग वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इसी तरीके की वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में एक बेलाइकन होगी उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि कि आपको इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो मैं जल्द से जल्द उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो